कहीं घूमने गए हैं और खांसी आ जाए, और खांसी में पेंटी खराब हो जाए, कच्चा खराब हो जाए, यूरिन निकल जाए, तो बड़ी परेशानी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे, हमारे साहस होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो तो टॉपिक है वो खांसते में यूरिन निकल जाना, उस पर मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। अगर खांसते में आपको यूरिन निकल ली है, ज़्यादातर ये जो होता है लेडीज में ज़्यादा पाया जाता है कि खांसते 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 में यूरिन निकल जाती है, और अंदर का जो पैंटी है, अंदर का कपड़ा है, वो पूरा खराब हो जाता है, पहना हुआ हो जाता है। कई लोगों को कम निकलती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा निकल जाती है, उससे मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। चलिए दवाई नोट करते हैं, कोई विलम्ब करे नहीं, तुरंत दवाई नोट करिए हाथ के हाथ। और ये भी मुझको एक व्यूअर ने बताया था कि मुझे खांसते में सर फोन ने बताया था, वैसे नहीं, उनको मैंने दवाई बता दी थी। आप लोगों को मैं ऐसे बता रहा हूँ, इस तरह से सामने सामने वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। आप लोगों की अगर कोई समस्या हो रही हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हमारी वेबसाइट में जाके वहाँ से मुझे फ़ोन करिए या मेल करिए, जो जो भी आपको इच्छा हो करिए, ताकि मैं आपको नए नए वीडियो नई नई चीज़ें बना के दिखाते रहूँ। चलिए दवाई नोट करते हैं। सबसे पहले काष्ठिकम, 30 में 5 बूंद सवेरे, 5 बूंद दिन में, 5 बूंद शाम को लीजिए लगातार। 30 दिन तक भी ले सकते हैं और 40 दिन तक भी ले सकते हैं, जब तक आपको फायदा नहीं हो रहा है। अगली मेडिसिन है ब्लूम नंबर 20। ब्लूम नंबर 20 को आप लगातार लीजिए, 20 बूंद सवेरे, 20 बूंद दिन में, 20 बूंद शाम को, आधे कप पानी मिलाते हुए। सबसे पहले आपने काष्ठिकम लेनी है, काष्ठिकम 5 बूंद सवेरे दिन में शाम को, और साथ में ब्लूम नंबर को पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। नए वीडियो के साथ में फिर कल मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।